तो हमारा तू आवाज नहीं, मेरी पहले माइक नहीं है, कैमरा सही नहीं है, उसके साथ आवाज भी नहीं सही से आ रहा है, इतना धूप लाइट भी नहीं सही से आ रहा है, उसमें हवा भी इतना फेंक रहा है, और मेरा वीडियो भी कैसे बना रही हूँ मैं इसमें। वो तुम्हारा मोबाइल मर जाए, मतलब आपका मेकअप बहुत ज्यादा सही यार, ये हवा इतना फूक रहा है ना कि मर रहा है, मर जा ज्यादा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है अंशिका और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मेकअप। मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो डालूंगी एंड मैं वीडियो सही से नहीं डाल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को क्या हो जाता है, हर दम मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो डालूँ एंड देन होता रहता है, लेकिन बट मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन एवरी सोशल मीडिया जिसमें मैं अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो ऑफ डूइंग मेकअप। एंड पता है मेरी कैमरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, यहाँ से गर्म हवा फेंक रही है, मेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के जा रही है। एंड अगर आप उत्तर प्रदेश में हो अभी मेरे जैसे, एंड अगर आप क्रीम नहीं लगा रहे हो, मतलब क्रीम मतलब सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, तो बहुत 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 बुरी बात है, प्लीज़ सनस्क्रीन लगाओ, नहीं तो स्किन की धज्जियाँ उड़ने वाली है, ठीक है। तो अभी हम मेकअप शुरू करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने कुछ भी नहीं किया अपने मुँह पर, अभी हम शुरू करेंगे सब कुछ, सब बढ़िया बढ़िया शुरू करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर मेकअप, ठीक है। अच्छा वैसे आज मैं अपने मेकअप को कुछ बोरिंग नहीं करने वाली, मैं आप सबसे पूरी वीडियो में बात करूंगी, ट्राई करने का कि मैं बहुत सारी बातें करूं आप सबसे एंड मैं वीडियो भी बनाती रहूं, ठीक है। तो वैसे भी मैं बहुत ईजी सिंपल मेकअप करने वाली हूं, डेली मेकअप जो रोज का मेकअप होता है ना, वो वाला मेकअप करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट, तो पहले मेरा बाल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, ये मेरे बाल तो इधर बार बार से जा रही है, तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन पेन है जो मैं अपने बाल को सिक्योर कर सकती हूँ इससे, जो मुझे डिस्टर्ब ना करें। मुझे पता है कि मेरे बाल मेरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, और ये हवा भी ओके सो यहाँ पे मेरा बाल पीछे हो गया, अभी हम शुरू करते हैं। और आप सब कुछ लाइक कुछ तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारी हम यूज़ करने वाले हैं वेट टिश्यू, अपने फेस को वाइप करते रहेंगे। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जो मैंने जब मैं गई थी अयोध्या, तो मैंने मतलब देखा था, तो वो बहुत 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 बुरा चीज़ हुआ। वैसे हम लोग वहाँ पे नहा रहे थे उधर पानी में, तो फिर जब हम उधर नहा रहे थे तो उधर एक गाइडलाइंस है कि तुम्हें इससे दूर नहीं जाना है, आपको उसके अंदर ही मतलब वो जो जगह है, मतलब वो पानी जो है बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है, मतलब नॉर्मल मेरी नीज तक था, मेरे हिप तक था, ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसकी जो फ्लो थी वो बहुत तेज थी, ठीक है। अगर मैं हैवी बॉडी है तो ओके मैनेज कर सकते हो, वो बहुत बहुत लेस वेट हो आप तो पता है वो पानी आपको लेके चली जाएगी आराम से। तो ऐसे जब हो रहा था, तो जब ऐसा हुआ, वेट मेरे को दूसरा चीज़ लगा ले लो, रश्मि मेरे को मॉइस्चराइजर देना। तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग ये सीरम अपने फेस पे बहुत सारा लगाऊंगी, क्योंकि डेली मेकअप है तो फेस तो बढ़िया दिखना ही चाहिए, तो हम ये लगाएंगे। हाँ तो फिर मैं क्या बोल रही थी, जब मैंने वो देखा तो वो जो 6-7 लड़के थे जो उधर पानी में गए, ठीक है, वो पानी में नहा रहे थे, तो उनको मना किया गया था कि तुम वो ज़्यादा दूर मत जाना, उसी के पास ही रहना, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, वो लोग सुने हैं नहीं और वो लोग चले गए, वो पानी में मतलब बीच में चले गए। तो वो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि उन छो पता नहीं वो बच्चे थे कि आदमी थे, वो मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना था कि वो 6 लोग चले गए उस पानी के साथ, बह गए उन लोग। आई डोंट नो कि उसमें कितने जिंदा है कितने मर गए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 6 के 6 भी मतलब कोई मरा हुआ था, बहुत लोग मरे हुए थे और थोड़े बहुत थे वो फ्लो हो गए थे, मतलब सब फ्लो हो गए थे, बचे हुए थे जिंदा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी कहीं ऐसे पानी वाली जगह में हो तो प्लीज़ गाइडलाइंस को आप ज़रूर सुनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग कोई बुराई नहीं चाहेगा आपका, स्पेशली पुलिस वाला, मतलब पुलिस वाले जो होते हैं वो भी। ये फाउंडेशन ख़त्म हो चुका है, मुझे ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, मैं अभी एक नया फाउंडेशन ले रही हूँ, सोच रही हूँ कि नया फाउंडेशन लूँ एंड देन हम उसको भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें है काम चला हुआ लायक है, हम लोग 2-3 मेकअप सब कर ही सकते हैं इससे। तो हाँ तो फिर वैसा तो आप लोग प्लीज़ 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 गाइडलाइंस को सुनिए, चाहे वो कुछ भी हो, गवर्नमेंट के से आ रहा है तो प्लीज़ लिसन दैट एंड टू फॉलो, वो आपके सेफ्टी के लिए बोलेंगे, ख़राब करने के लिए तो बोलेंगे है नहीं, उन लोग को भी थोड़ा दिमाग रहता है, सब खेलने कूदने में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि सब कुछ भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट,
टू इन वन लिपस्टिक ये रहा इसका शेड व्हिच इज सो ब्यूटीफुल शेड. ओके जब इसको यूज करेंगे आई एम यूजिंग मेरी दादी का मिरर. आईशैडो के लिए आई बी यूजिंग अ ब्राउन शेड ऑफ ब्राउन शेड नहीं बोलूंगी मैं ब्राउन शेड. तो ये रहा वो ब्राउन शेड हम इसको यूज करने वाले हैं अपने आई शेडो पर. मेरी आवाज आज सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मेरी माइक खो चुकी है एंड आई डोंट नो वो कब मिलेगी दो तीन साल बाद. एंड अपनी आंखों पे लगाए आपने देखा. फिर इसके बाद हम लगाने वाले हैं ब्लश. तो ब्लश के लिए आई एम यूजिंग पिंक कलर का ब्लश यहाँ पे. तो पिंक कलर ब्लश के लिए आई एम यूजिंग ये वाला ब्रश एंड ब्लश अ लाइट ब्लश. ओके फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टू इन वन. इधर का शेड पता चल रहा है कि हाउ टैन आया. रहा मेरा नॉर्मल डेली मेकअप लुक एंड दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल. आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल. लव यू ऑल. स्टे सेफ स्टे हैप्पी. बाय बाय.